इससे पहले के वीडियो में हम आपको संसद की कार्रवाई बताए थे। संसद की कार्रवाई में दो पार्ट में वीडियो बनाए थे। एक पार्ट में हम आपको लंच के पहले प्रश्न काल और शून्य काल के बारे में समझा दिए थे, और संसद की कार्रवाई के पार्ट टू वाले वीडियो में हम आपको लंच के बाद जो विभिन्न प्रकार के 10 प्रस्ताव लाए जाते हैं उन प्रस्तावों को हम समझा दिए थे, जिसमें आपको निंदा प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, ये सब टाइप के 10 प्रस्ताव थे। आप अगर उसको नहीं देखे हैं तो उसको पहले देख लीजिएगा। चलिए अब हम आज इसके बारे में समझते हैं कि कोई भी विधेयक कैसे आता है और कैसे पारित होता है। तो विधेयक को ले आने की क्रिया को हम पूरा स्थापन कहते हैं। इसके लिए एक टेक्निकल शब्द है, पूरा स्थापन। अनुच्छेद 107 में कहा गया है कि किसी भी विधेयक के पूरा स्थापन यानी इंट्रोड्यूस करना, संसद में विधेयक को कैसे लाया जाता है, विधेयक को ला दिए तथा पारित करने के लिए क्या क्या विधियां, कौन कौन से नियम बनाए जाते हैं, तो विधेयक कैसे आता है और कैसे पारित होता है, तो ये तो एक अलग बात होगी। सबसे पहले समझते हैं विधेयक किसे कहा जाता है। तो देखिए, कोई भी कानून बनाना पड़ता है ना, तो बड़े बड़े विद्वान मिलके उस कानून के विभिन्न पहलुओं को तैयार करते हैं कि ये इस चीज को जोड़ना चाहिए, किसे पहले जोड़ना चाहिए, किसको बाद में जोड़ना चाहिए, तो इसी को हम लोग कहते हैं ड्राफ्टिंग। तो कानून बनने से पहले उसकी पूरा खाका तैयार होता है, रूपरेखा, जिसे हम ड्राफ्टिंग कहते हैं। तो सबसे पहले क्या बनता है, ड्राफ्टिंग बनता है। वो अधिकारी ड्राफ्ट बना के मंत्री को दे देते हैं। अब जैसे सेना से रिलेटेड होगा तो रक्षा मंत्री को दे देंगे, जैसे नागरिकता गृह मंत्रालय के अंदर में आता है तो अमित शाह को दे दिए थे क्योंकि वो गृह मंत्री हैं। तो ये अधिकारी जो होते हैं ड्राफ्ट यानी मसौदा बना के मंत्री को दे देते हैं, और ये मंत्री जो होते हैं वो इस मसौदे को संसद में ले आते हैं। तो मसौदे को संसद में ले आने की क्रिया को पूरा स्थापन या इंट्रोड्यूस कहते हैं। तो उस मसौदे को जब संसद में लाया जाता है तो उसी को हम विधेयक कहते हैं। क्या कहते हैं, विधेयक कहते हैं। ये विधेयक जैसे संसद में आएगा तो संसद में दो सदन होते हैं, किसी एक सदन में जाएगा या तो पहले लोकसभा में चला जाए या तो पहले राज्यसभा में चला जाए। इसके भी कुछ शर्तें हैं, हम अभी उसको समझा देंगे, कौन पहले लोकसभा में जाएगा, कौन राज्यसभा में जाएगा। लेकिन जाना तो दोनों सदन में है, भले पहले इधर से जाए या उधर से जाए, दोनों सदन में ही जाना होता है। देखिए, तो जैसे ये विधेयक सदन में जाता है, विधेयक को हम कहते हैं बिल, तो पहले सदन में उसको पूरा स्थापित यानी प्रस्तुत किया जाएगा, सबको दिया जाएगा, एक एक उसका कॉपी, सब लोग पढ़िए भैया विधेयक क्या है। अब उस विधेयक पर चर्चा होगी, मंत्री कहेंगे कि ये विधेयक देश के लिए अच्छा है, विपक्ष कहेगा कि नहीं इसमें कौन कौन सी कमियां हैं, तो उस पर चर्चा होगी। अब उस चर्चा के बाद अब उस विधेयक पर मतदान होगा, कितने लोग उस विधेयक के पक्ष में हैं और कितने लोग विपक्ष में हैं। जब मतदान हो जाएगा तो एक सदन से समझ जाएगा कि वह एक सदन से पारित हो गया। अब उसे दूसरे सदन में भेजा जाएगा, दूसरे सदन में भी उसे प्रस्तुत किया जाएगा, उस पर भी चर्चा होगी, उसके बाद उस पर भी मतदान होगा, मतदान के बाद उसे उस पर भी पारित समझा जाएगा। तो इस प्रकार कच्चा मसौदा जो विधेयक के रूप में आया, कच्चा मसौदा आया संसद में, संसद इसमें प्रस्तुत हुआ, चर्चा हुआ, मतदान के बाद पारित हो गया, तो उसे हम कहते हैं बिल या विधेयक। क्या कहेंगे, बिल कहेंगे या विधेयक कहेंगे, इंग्लिश में बिल, हिंदी में विधेयक कहते हैं। समझ में आ गया आपको। जैसे एग्जांपल में समझिए, एक कच्चा मसौदा तैयार करके गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने दिया कि देश में किसे नागरिकता देनी चाहिए और किसे नहीं देनी चाहिए, उस पर प्रस्तुतीकरण हुआ, चर्चा हुआ, मतदान हुआ, पारित हुआ, दोनों सदनों से हुआ, और उस विधेयक का नाम दिया गया, अभी बताइए, अभी तो वो विधेयक रहा, उसका नाम दिया गया सिटीजनशिप मतलब नागरिकता, अमेंडमेंट मतलब सुधार, संशोधन, बिल यानी विधेयक। तो अभी क्या है कि जब ये संसद के दोनों सदनों से निकलता है तो उसे बिल या विधेयक कहते हैं, सीएबी कहते थे, ये जस्ट पारित हुआ था आपको दिसंबर में, तो कैब के ये सीएबी जो होता है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। अब यह बिल कहां जाता है, राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति के पास जब जाता है तो राष्ट्रपति इस विधेयक को साइन भी कर सकते हैं, एक बार पुनर्विचार के लिए भी लौटा सकते हैं। तो जब राष्ट्रपति इस बिल को साइन कर देते हैं ना, तो यही जो बिल होता है वही हो जाता है एक्ट, हिंदी में कहते हैं कानून। अब वो क्या बन जाता है, कानून। जब तक राष्ट्रपति साइन नहीं करेंगे ना तब तक कानून नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि हमारे संविधान में कहा गया है कि कानून बनाने का अधिकार संसद को है। और याद कीजिए, हम आपको संसद पढ़ाए हैं, क्योंकि संसद के तो तीन अंग होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा और एक राष्ट्रपति, तीनों ना होते हैं। तो इस बिल यानी विधेयक पे तो केवल दो लोगों ने अनुमति दिया है, लोकसभा और राज्यसभा, जबकि संसद का तीसरा अंग तो छूट ही गया। तो जैसे आपका संसद का तीसरा अंग यानी राष्ट्रपति अनुमति दे देते
वो क्या बन जाता है बाबू, एक्ट यानी वो कानून बन जाता है। संसद को क्या बन जाता है, एक्ट या कानून बन जाता है, और यही पूरे देश में लागू हो जाता है, एक्ट या कानून। समझ में आया? जैसे आप याद कीजिए कि पहले सीएबी पारित हुआ था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, उसके बाद क्या पारित हो गया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, सीएए हो गया। तो आप सुने होंगे पहले सीएबी आया था, सीएबी जैसे राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिया वो क्या बन गया, सीएए बन गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ये समझ में आ गया आप लोग को, इतना समझ में आ गया। अब इसको हम लोग एक नॉर्मल भाषा में समझते हैं। सबसे पहले क्या होता है, ड्राफ्टिंग तैयार होती है, ड्राफ्टिंग के बाद क्या होता है, बिल आता है, और बिल के बाद क्या आ जाता है, एक्ट यानी कानून बन जाता है, वो हमारे लिए कानून बन गया। अब आप नॉर्मल आप विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थी की भाषा में समझ, आपको पढ़ने के बाद एक परीक्षा ली जाती है, एग्जाम लिया जाता है। तो एग्जाम में जब आप क्वेश्चन लिख रहे होते हैं आंसर उसका, तो ऐसे थोड़ी होता है धड़ाक से लिख देते हैं, पहले सोच विचार करते हैं कैसे कैसे शुरुआत किया जाए, मन में ड्राफ्टिंग बना के फिर उसको लिख देते हैं। आप तो क्वेश्चन लिख दिए आंसर उसका, एग्जाम वही हो गया आपका ड्राफ्टिंग, आप क्या लिख दिए, ड्राफ्टिंग कर दिए। अब आपकी कॉपी लेकर उसको जांच करने के लिए भेज दिया जाए, अलग अलग सेंटर की कॉपी अलग अलग जांच होती है। आप लोग भी मैट्रिक इंटर का एग्जाम दिए होंगे, कॉपी जांच करने के लिए चली जाती है, कॉपी जांच करके उसको आगे किया जाता है। जब कॉपी जांच हो गई तो वो समझ लीजिए कि आपका विधेयक तैयार हो गया। आप क्या बनाए, मसौदा, वो मसौदा ठीक है या नहीं ये एग्जामिनर चेक किया, एग्जामिनर चेक करके फाइनल कर दिया, तो क्या हो गया विधेयक। अब वो चला जाएगा कंप्यूटर में लोड होने, कंप्यूटर में धीरे धीरे लोड होगा, और एक दिन आएगा कि भैया फला तारीख को रिजल्ट का, बोर्ड का एग्जाम रिजल्ट आ गया। रिजल्ट मतलब बिल, आपके आप अपनी भाषा में समझिए, वो आपके लिए एक तरह बिल फाइनल, वाह वाह भाई यही है हमारा, फर्स्ट डिवीजन तो फर्स्ट डिवीजन, फेल तो फेल। समझ में क्या, तो सबसे पहले क्या आता है मसौदा, मसौदा के बाद क्या चीज आएगा बहू, विधेयक या बिल, और उसके बाद क्या बन जाएगा, एक्ट या कानून। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, इसी तरह से कानून बनाए जाते हैं। आगे बढ़े, देखिए कोई भी विधेयक संसद के तीनों अंगों के पास जाना चाहिए, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। समझ में आया? अब कुछ ऐसे विधेयक हैं जो पहले लोकसभा में जाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो पहले राज्यसभा में जाते हैं, तो ये समझ में आया? तो अभी हम लोग इसको समझ जाते हैं कौन सा विधेयक पहले लोकसभा में जाता है और कौन सा विधेयक पहले राज्यसभा में जाता है। समझिए, देखिए यहाँ हमने चार्ट बना दिए हैं, इसमें लिखते हैं स्टार्टिंग लोकसभा, नीचे में लिखे स्टार्टिंग राज्यसभा। देखिए इस भ्रम में कभी मत रहिएगा कि एक सदन में पारित हो गया मतलब पारित हो गया। संसद के कितने अंग, तीन, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, इन तीनों को मिला के संसद बनता है, तो तीनों से होके जाएगा। सवाल बस ये प्रश्न है कि स्टार्ट इधर से हो कि इधर से हो। तो तीन ऐसे विधेयक है जिनको फिक्स कर दिया गया है कि तीन ठो इधर से आएगा और तीन ठो इधर से आएगा। समझ में क्या, चलिए देखते हैं ध्यान से। पहला हम स्टार्ट करते हैं लोकसभा से, बजट जो है ना वो पहले लोकसभा में ही आएगा, हाँ बाद में वो राज्यसभा में जाता है, लेकिन स्टार्ट कहां से होगा, लोकसभा से। दूसरा धन विधेयक कहां से आएगा, लोकसभा से, जब भी आएगा धन विधेयक लोकसभा में आएगा। समझ लगे यहाँ पे? और कौन सा विधेयक, वित्त विधेयक, दो टाइप के होते हैं, पार्ट वन और पार्ट बी। देखिए पार्ट टू जो होता है वो किधर से भी आ सकता है, लेकिन पार्ट वन जो होता है वो जब भी आएगा तो लोकसभा से आएगा। अब ये वित्त विधेयक का पार्ट वन पार्ट टू क्या है, धन विधेयक क्या है, वित्त विधेयक क्या है, ये हम आगे समझाएंगे, अभी उसको चर्चा 109, 110 और 117 में। तो देखिए बजट कहां से आएगा, लोकसभा से, धन विधेयक लोकसभा से, वित्त विधेयक का पहला पार्ट लोकसभा से। तो ये चीजें आती हैं लोकसभा में स्टार्ट होती है, ये कभी भी राज्यसभा से स्टार्ट नहीं हो सकती है। लोकसभा जब इसे पारित कर देगा तब ये राज्यसभा में जाएगी, ऐसा ये नहीं है कि लोकसभा पारित कर दिया तो नियम बन जाएगा, ऐसे कैसे हो सकता है, तीनों अंग को होकर जाना पड़ेगा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अब कुछ ऐसे भी विधेयक होते हैं जिस जो केवल राज्यसभा ही स्टार्ट कर सकती है, हालांकि पारित तो तीनों से होगा, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, लेकिन वो स्टार्ट होगा तो राज्यसभा से ही। ऐसे कौन कौन से तीन विधेयक है, देखिए जो स्टार्ट इन राज्यसभा होते हैं, अखिल भारतीय सेवा, अखिल भारतीय सेवा उसे कहते हैं जिसकी नियुक्ति केंद्र सरकार करे लेकिन वेतन देने का काम राज्य सरकार करती है, जैसे डीएम और एसपी या आईएएस के जो एग्जाम्स होते हैं वो अखिल भारतीय। तो अखिल भारतीय सेवा का निर्माण करना है, कोई नई अखिल भारतीय सेवा बनाना है अनुच्छेद 315 के तहत, तो उसको स्टार्ट जब भी किया जाएगा तो राज्यसभा से। ऐसा नहीं है कि केवल राज्यसभा पारित कर दी तो हो गया, राज्यसभा से स्टार्ट किया जाएगा, स्टार्ट करने के बाद उसे लोकसभा में भेजा जाएगा। और क्या है, राज्य, आपको पता है कि राज्य सूची के विषय में कानून बनाने का अधिकार किसको है, तो वो राज्य सरकार को है, लेकिन राज्य सूची के विषय में भी कानून बनाने का अधिकार एक वर्ष के लिए संसद को है आपातकाल में, ये हम आपको आपातकाल में समझाएंगे।
तो जब राज्य सूची के विषय में कानून बनाना है तो उसका स्टार्टिंग जो होता है वो राज्यसभा से होता है, और राज्यसभा पारित कर देगी तब लोकसभा होता है, ऐसा नहीं है कि पहले लोकसभा कर दे। देखिए अब तो समझ में आ ही गया होगा कि दोनों सदन और राष्ट्रपति का साइन यानी तीनों का जरूरत है। फंसता ये है कि स्टार्ट कहां से होगा। अब एक और कंडीशन है कब स्टार्ट होता है, उपराष्ट्रपति, आपको पता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, तो अतः उपराष्ट्रपति पर अगर आपको महाभियोग लगाना है, महाभियोग का मतलब समझते हैं लतिया के हटा देने, भाग तो रहा तू ठीक नहीं है, तो उपराष्ट्रपति पर महाभियोग की स्टार्टिंग कहां से होती है, तो राज्यसभा से। ऐसा नहीं कि अकेले पारित कर देगा, पारित तो दोनों को करना पड़ेगा। तो राज्यसभा से कौन कौन सी चीजें चालू होती हैं, तो अखिल भारतीय सेवा का सृजन, राज्य सूची के विषय में कानून, तथा उपराष्ट्रपति पर महाभियोग, ये तीनों चीजें जो होती हैं ये राज्यसभा से ही स्टार्ट हो सकती हैं। समझ आ गया आप लोगों को। आप देख लिए बाबू किस तरह से तीन ऐसे विधेयक हैं जो लोकसभा से ही चालू हो सकते हैं और तीन ऐसे विधेयक हैं जो राज्यसभा से चालू होते हैं। समझ में आ गया आप लोगों को। लेकिन कोई भी विधेयक है वो जाएगा दोनों सदन में, और दोनों सदन से पारित होने के बाद वो कहलाएगा विधेयक, और जब राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देंगे तो वो बन जाएगा कानून। अब आप समझते हैं कुछ टिपिकल टाइप का जो कभी कभी क्वेश्चन में फंसा देता है, समझिए ध्यान से किसी चीज को। पहले हम आपको समझाए हैं लोकसभा एक अस्थायी सदन है, ये 5 साल में भंग हो जाता है, 5 साल के पहले भी हो सकता है। जस्ट इससे पहले बताए थे कि अगर बहुमत खत्म तो सरकार गिर जाएगी, 5 साल नहीं चल पाएगी, जबकि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, अस्थायी, इस पे सरकारें नहीं बनती है तो इसमें अस्थायी तो रहेगा। तो देखिए यहाँ पे बड़ा ध्यान से समझिएगा, यदि राज्यसभा कोई विधेयक को पारित कर दी और लोकसभा में भेजने से पहले ही लोकसभा भंग हो गई या लोकसभा का 5 साल कार्यकाल पूरा हो गया तो वो विधेयक बचा रहेगा, नई लोकसभा जब आएगी तो उसी विधेयक को पारित कर देगी और फिर राष्ट्रपति को भेज देगी। ये राज्यसभा की कंडीशन में होता है, याद रखिएगा। राज्यसभा अगर कोई विधेयक को पारित कर दिया, लोकसभा भंग हो गया भी ना, तो नई लोकसभा के उसी पारित विधेयक को अपनी ओर से पारित करके फिर कहां भेज देती है, राष्ट्रपति के पास। लेकिन ये कंडीशन लोकसभा के साथ नहीं होता है, याद रखिएगा। मान लिया कि कोई विधेयक लोकसभा ने पारित कर दिया और राज्यसभा को विधेयक भेजा, ठीक है, राज्यसभा विधेयक को, देखिए कोई भी सदन विधेयक को 6 महीने तक रोक सकता है, ये सदन इसके विधेयक को रोक सकता है, एक इसके सदन को, तो मान लीजिए ये राज्यसभा उस विधेयक को रोक लिया, तो सपोज कीजिए कि रोक लिया, और अभी लोकसभा ने विधेयक को पारित कर दिया है, राज्यसभा अभी पारित नहीं की, उसको तो 6 महीने टाइम है, तब तक इधर लोकसभा की सरकार बहुमत खोने से भंग हो गई या इनका 5 साल कार्यकाल पूरा हो गया इस वजह से भंग हो गई, तब ये जो विधेयक था ना ये विधेयक भी भंग हो जाता है। अब जब नई लोकसभा का चुनाव होगा फिर आएगी तो उसे वो विधेयक फिर पारित करके इसको भेजना पड़ेगा। तो समझ में आ गया, ये क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा कि यदि लोकसभा द्वारा पारित विधेयक राज्यसभा पारित नहीं किया है और पारित करने से पहले ही लोकसभा भंग हो गई या कार्यकाल खत्म हो गया तो वो विधेयक भी खत्म हो जाता है। लेकिन राज्यसभा से ऐसा नहीं होता है, यदि राज्यसभा ने किसी विधेयक को पारित करके लोकसभा को दे रखा है, लोकसभा पारित करने से पहले ही भंग हो गई या कार्यकाल खत्म हो गया तो नई लोकसभा के उसी विधेयक को पारित कर देती है। समझ गए, एक सदन द्वारा पारित विधेयक दूसरा सदन कितने महीने रोक सकता है, 6 महीने रोक सकता है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। कैसे कानून बनता है कैसे नहीं कानून बनता है ये सारे के बारे में समझ में आ गया आप लोगों को। पहले क्या बनेगा, अधिकारी लोग क्या बनाएंगे, ड्राफ्ट, कानून वाले महान्यायवादी लोग सब मिल के क्या बनाते हैं, ड्राफ्ट बनाते हैं, और ड्राफ्ट के बाद वो कहाँ रखा जाता है, संसद में, और वो क्या बनता है, विधेयक, और राष्ट्रपति जब साइन कर देते हैं तो क्या बन जाता है, कानून। अब एक बात बताइए, हमारा संविधान भी तो एक कानून है, कानून का पूरा क्या है, ग्रुप है कानून का, ये भी तो ऐसे ही पारित हुआ। अब जरा सोचिए, भीमराव अम्बेडकर जो थे वो पूरा कानून नहीं लिखे थे, 395 अनुच्छेद नहीं लिखा रहा, हमारे यहाँ तो 90% तो विदेशों से ले आए थे लोग संविधान, फिर भी अंबेडकर साहब को संविधान का निर्माता क्यों कहा जाता है, ध्यान से समझिए। जो प्रारूप समिति थी ना, ड्राफ्टिंग कमिटी, जिसको मसौदा तैयार करना था पूरा, वो भीमराव अंबेडकर के अधीन थी, तो मेन काम तो भीमराव अंबेडकर ने किया, इसीलिए भीमराव अंबेडकर को संविधान का निर्माता के नाम से जानते हैं, उन्हें इस तरह से प्रस्तुत किया जाता है कि इन्होंने संविधान को बनाया था, क्योंकि उन्होंने उनके अंडर में ही पूरी ड्राफ्टिंग कमेटी थी। अब ये संविधान बताएंगे तो आपको आगे बताएंगे, ड्राफ्टिंग कमेटी में अकेले भीमराव अंबेडकर नहीं थे, 7 सदस्य थे। तो ये मसौदा समझ में, अधिकारी लोग बनाते हैं, पढ़े लिखे लोग, जैसे जीएसटी का मसौदा अधिकारी बनाए होंगे, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट के जानकार बनाए होंगे, संसद में प्रस्तुत हुआ, लोकसभा से पारित हुआ, राज्यसभा से पारित हो गया विधेयक, राष्ट्रपति ने साइन किया, हो गया कानून,
किसी को दिक्कत? अब कानून को लागू कराना अधिकारी लोगों का काम है। ऐसे ही विधेयक बना था, सीए सीए भी आगे बन गया सीए, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब यहां एक बात समझने वाली है, ध्यान से समझ। कोई भी मसौदा, मसौदा के बाद क्या बनेगा? विधेयक। विधेयक के बाद कानून। क्या विधेयक हमारे काम का होता है? नहीं। मसौदा हमारे काम का होता है? नहीं। हमारे काम का होता है कानून। अब आप जरा इस चीज को गहराई से देखिए, कानून बनने में कहां कहां बाधा उत्पन्न होती है, कहां कहां अटक सकता है, ध्यान से देखिएगा। या तो वो संसद में अटक जाए, पहला रास्ता यहां अटकने का। दूसरा, ससुराली राष्ट्रपति ऐसा ही ना करे, कहे ना कर गुंजो, अटक दिया गया। तो कोई भी कानून केवल दो जगह अटकता है, या तो वो संसद में अटकेगा, तो या तो वो राष्ट्रपति के पास अटकेगा। तो समझ जाते हैं, अगर हम ये समझ जाते हैं कि संसद में कैसे अटकता है और राष्ट्रपति के पास कैसे अटकता है, तो टोटल समझ जाएंगे। राष्ट्रपति कैसे अटकाता है, तो वो अनुच्छेद 111 में है, ठीक है, उसको भी समझाएंगे, अभी तो 160 में है। संसद कैसे अटकाती है, इसको समझते हैं। मान लीजिए संसद कैसे अटके, मान लीजिए लोकसभा ने विधेयक को पारित कर दिया, तो क्या राष्ट्रपति के पास जाएगा? नहीं, राज्यसभा में भी जाएगा। मान लिया कि विधेयक पहले राज्यसभा से पारित था, तो क्या बिना लोकसभा में पारित कराए राष्ट्रपति को भेज देंगे? नहीं, इन ससुरों दोनों को पारित करना पड़ेगा। कभी कभी ससुर दोनों आपस में लड़ जाता है, अपने में बवाल कर लिया, तो राष्ट्रपति टुकुर टुकुर देखता है, जो ससुर अपने में मार कर लिया, हमारे पास कौन चीज आएगा? तो जब इन दोनों में विवाद हो जाए, इसको सुलझाने के लिए राष्ट्रपति आते हैं, उसी को कहते हैं संयुक्त अधिवेशन। तो ये संयुक्त अधिवेशन की चर्चा अनुच्छेद 108 में है। तो 107 समझ में आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझते हैं संयुक्त अधिवेशन क्या होता है। समझा रहे आप लोगों को? तो थोड़ा सा समझिए बाबू, अभी घर पे हैं तो माइक एक्चुअली क्लास में ही छूट गया है, इसलिए आवाज की थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी, तो थोड़ा इसको मैनेज करिए बाबू, क्योंकि लॉकडाउन में अभी हम लोग निकल नहीं पा रहे हैं कहीं। माइक का जैसे लॉकडाउन में थोड़ी भी छूट मिलेगी, माइक का इंतजाम कर देंगे। आप उम्मीद करते हैं आप ये समझ जाएंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट जरूर कीजिए, हम आपके कमेंट का रिप्लाई भी करते हैं, ठीक है। हम आपसे, आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कीजिए, जब तक आप एक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपको समझा देंगे कि संयुक्त अधिवेशन क्या होता है।